हेरोइन एक नशीला ड्रग जो आज क्या है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पहले के जमाने में डॉक्टर्स खुद इसे दवा के तौर पर लिखते थे। हेरोइन को सर्दी खांसी कफ के इलाज के लिए इसे फ्रीडा बेयर और उसकी कंपनी ने लाया था, और उस समय के डॉक्टर्स जब इसे लिखते थे तो वो अपने पेशेंट को खांसी की सभी दवाओं में इसे सबसे सुरक्षित कहते थे, मतलब इसे लेने से उन्हें किसी तरह का भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। धीरे धीरे फिर थोड़ा बहुत बदलाव के साथ बेयर ने हेरोइन को लाया जो कैंसर से उठने वाले दर्द, डिप्रेशन, अस्थमा, दिमागी बीमारी और तो और पहाड़ों पर चढ़ाई के दौरान भी माउंटेनियर इसे खाते थे क्योंकि इससे चढ़ाई के दौरान सांस लेने में आसानी होती थी। और हाँ, साइकेट्रिस्ट मतलब दिमागी बीमारी के डॉक्टर्स, उनके बीच भी ये बहुत ज्यादा प्रचलित था क्योंकि इसे देने से पेशेंट कितना भी शोर क्यों ना मचा रहा हो वो तुरंत शांत हो जाता था।